आपका इंटरेस्ट अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में इंट्राडे ट्रेडिंग है, आपको अगर कल की निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स और व्यू जान लेना है, उसके साथ एक स्टॉक वाली अपॉर्चुनिटी, स्पेशल वाली अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तो ये वीडियो आपने जरूर देखना है और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको लेवल्स और व्यू ठीक तरीके से समझ में आ जाए। जब एक व्यू ठीक तरीके से समझ में आ जाता है तो एक बढ़िया सा डिसीजन भी आप ले सकते हैं। मेरा नाम है मंदार जामसांडेकर, आपका स्वागत है इस यूट्यूब सेशन में। मेरे पीछे आपको निफ्टी का नियरमन फ्यूचर का चार्ट दिखेगा। अब अगर ये चार्ट देखो आप तो आपको समझ में आएगा कि आज का जो कैंडल है स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बड़ा सा व्हाइट कैंडल है, जो बीच में जो छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस थे वो ब्रेक करके निफ्टी ऊपर चला है। अब कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो आपने वॉच करना है 14,806 का है। इसके ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करेगा तब तक बुलिश बना रहेगा। ऊपर में 15,082 का लेवल के लिए निफ्टी जरूर एम करेगा, लेकिन ध्यान में रखिए कंसोलिडेशन अभी भी जारी है, तो इसका मतलब है ऊपर की लेवल्स में निफ्टी को दिक्कत आ सकती है, तो इनडिसीजन वाला ट्रेड भी हमें इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। अभी भी कंसोलिडेशन का फेज जारी है, ये ध्यान में रखना है। तो एक दिन बुलिश कैंडल दिख गई इसलिए चलो बुलिश हो जाओ, ऐसा नहीं है, फिलहाल कंसोलिडेशन है। लेकिन स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू भी है, यानी इंडिविजुअल स्टॉक्स में हमें इंटरेस्ट देखने को जरूर मिलेगा। कौन से स्टॉक्स? ऊपर में प्रिसिजन असिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, और बाकी के जो स्पेशल वाले स्टॉक्स हैं वो मेरे तरफ से आपको व्हाट्सएप पे, अगर आप मेरे ब्रॉडकास्ट में हैं तो वहां पे मिल जाएंगे। मेरे पीछे आपको बैंक निफ्टी का नियरमन फ्यूचर का चार्ट दिखेगा। आज की कैंडल देखिए कैसी है, इनडिसीजन। तो जब इनडिसीजन कैंडल बनती है तो नेक्स्ट डे के लिए इस कैंडल का हाई जो होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है और जो लो होता है वो सपोर्ट बन जाता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है, स्टैंडर्ड इनडिसीजन कैंडल का दो ही लेवल्स, हाई रेजिस्टेंस और लो सपोर्ट। तो इसमें कल के लिए हाई जो है वो है 34,180 का, वो रेजिस्टेंस के तौर पे देखना है, और नीचे में सपोर्ट जो है वो 33,693 का लेवल है, ये सपोर्ट के तौर पे देखना है। जब तक बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी को हेल्प नहीं करते हैं, यानी बैंक निफ्टी को भी और निफ्टी को भी जब तक हेल्प नहीं करते हैं तब तक एक अगली वाली मूव हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये कंसोलिडेशन जो है ये जारी रहेगा। स्क्रिप्ट स्पेसिफिक व्यू है, स्पेसिफिक व्यू ही रखना है। फिलहाल इंटरेस्ट आईटी स्टॉक्स में ज्यादा दिख रहा है, आईटी और सीमेंट और स्टील, ऐसे तीन सेक्टर्स है कि जहां पे इंटरेस्ट दिख रहा है। अगेन स्क्रिप्ट स्पेसिफिक, कौन से स्टॉक्स? ऊपर में प्रिसिजन असिस्ट, नहीं तो मेरे ब्रॉडकास्ट में आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। अब है आज के सेशन का स्पेशल वाला स्टॉक आपके लिए, और ये है एम्फेसिस। अब ये चार्ट अगर आप देखो, यहां पे मैंने दो हॉरिजॉन्टल लाइंस प्लॉट कर दी हैं, ये रेजिस्टेंस बनती है, तो रेजिस्टेंस है 1788 से लेके 1799 की लेवल। ये ब्रेक होने राह देखिए, ये ब्रेकआउट होगा मस्त, एक बुलिश ट्रेड जरूर बनेगा। अब अगर आप टोटल चार्ट अगर ये देखो, ये डेली चार्ट है ध्यान में रखिए, ये अगर आप टोटल चार्ट देखो तो यहां पे आपको दिख जाएगा कि दिसंबर से एक अपट्रेंड इसमें देखने को मिला। सो दिसंबर में ये 1300 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से एक अपट्रेंड देखने को मिला जो स्टॉक को 1700-1750 तक ऊपर ले आया। उसके बाद पिछले तीन महीने से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में चल रहा है, दिख रहा है आपको कंसोलिडेशन। तो 70 नीचे में 1580-1600 का एक सपोर्ट बना था, 1520 का भी है एक वाला, लेकिन एक नैरोइंग काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो 1740 से स्टार्ट होते हैं और 1799 तक ऊपर में रेजिस्टेंसेस, तो एक ओवरऑल नैरोइंग कंसोलिडेशन पिछले तीन महीने में हमें स्टॉक में देखने को मिला। अब आज की जो कैंडल है वो मस्त तगड़ी सी बुलिश वाली कैंडल है, आप देख सकते हो कितनी बड़ी व्हाइट कैंडल है।
लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे है, तो बड़ी सी मूव भी है, वॉल्यूम भी है, लेकिन ब्रेकआउट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो ब्रेकआउट की राह देखनी जरूरी है, और ब्रेकआउट कब होगा? जब ये दो रेजिस्टेंसेस ब्रेक करके स्टॉक ऊपर चलेगा तब। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने की राह देखिए, जब कब ब्रेक होगा तब एक बढ़िया सी अपॉर्चुनिटी इसमें जरूर बनेगी। ये जो बुलिश व्यू है ये फेल कब होगा? अगर ये ब्रेकआउट जनरेट कर देता है, 1799 के ऊपर ब्रेकआउट जनरेट करता है, वैलिड ब्रेकआउट होता है, और उसके बाद अगर ये स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है और 1788 के नीचे चले जाता है, तो उस केस में हमारा जो बुलिश व्यू है वो फेल हो जाएगा। ये भी ध्यान में रखना है, कोई भी ट्रेड लेते समय रिस्क कितनी है वो पहले मालूम होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो रिस्क कितनी है उसके हिसाब से आप कंफर्टेबल करने के लिए क्वांटिटी ऊपर नीचे करके आप एक बढ़िया सा ट्रेड इसमें बना सकते हैं। तो ये है आपके लिए एम्फेसिस। आपने अगर अभी तक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया हो तो यहाँ पे मेरा नंबर दिया, इस नंबर पे आपका इंटरेस्ट मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम में ट्रेनिंग होता है, एनालिसिस होता है, हैंड होल्डिंग भी होता है, आपको एक बेहतर इन्वेस्टर और ट्रेडर बनाने की सारी चीजें होती हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं, किस तरीके से ये वीडियोस आपको मदद करते हैं, किस तरीके से ये वीडियोस से आपको सीखने को मिलता है, इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर पोस्ट कर दीजिए। आपने मुझे इस वीडियो में ज्वाइन किया इसलिए आपका धन्यवाद। आपका मंदार जाम सांडेकर।